उसके लिए कोई डिफेंस नहीं होगी, जो पोस्टर आया गया उसको जो खोला गया और जो जाना चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी खेत सीमा के नियंत्रक यहाँ पर बात से ग्रहण हुई और मेरे साथ एसएसपी कोच ने और मेरी से बात कर ली कि क्या पकड़ पकड़ी है। सर आज एक बहुत बड़ी जो है सक्सेस मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी खेत पकड़ी गई है, तो सर क्या कहेंगे? जो मिलता है इसमें यह है कि आप जैसे आपको पता है कि इसमें दुश्मन देश की तरफ से कोई साजिश है कि यहाँ से नशे के कारोबार के नशे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कैसे रहता है कि कुछ लोग को तुम्हें सोल्व करने की कोशिश की जाती है। इसे कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश पुलिस यानी कि पुलिस हमारी आर्मी कोई डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हम एक सिनर्जी रखते हैं कि बात करते हैं ताकि टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज में स्कैनिंग ऑडिट चलती रहे, सर्च प्लेन चलते रहे और हमें इसमें सफलता मिले। इसी स्थान के दौरान इसी सेक्टर के दौरान आज एक ऐसे सर्च ऑपरेशन के दौरान जिसको हमारे ऑफिसर लीड कर रहे थे, हमें जनरल एरिया बालाकोट से तकरीबन 15 किलो क्रीम नारकोटिक्स रिकवर हुआ है जिसमें हम FIR लगा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी उसके कोई लिंकेजेज होंगे जो उसमें आगे के कुछ निकलेगी क्लोज होंगे उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हम इसको रोल आउट नहीं कर सकते लेकिन मैं आपको एक चीज़ का बड़ा यकीन दिला देता हूँ कि हमारी LOC पर जो फोर्सेज है, हमारी इंडियन आर्मी, हमारी पैरामिलिट्रीज है, हमारी जे एंड के पुलिस है, हमारी जैसे खाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम अगर कोई ऐसी साजिश करें भी हम उसको काम करेंगे। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर खासकर जो हमारे लोग इस चीज़ को देखते हैं, मैं इस केस की बात में कर रहा हूँ जनरल, मैं दो चीज़ों से बात करूँगा। एक, आपके आसपास अगर कोई नशा हो सकता है जाना उसके बारे में बताएं और आपकी पहचान टोटली सीक्रेट गुप्त रखी जाएगी। और दूसरी बात, जो बच्चे इस बवाल में फंस चुके हैं उनके पेरेंट्स के लिए मेरा एक ओपन इन्विटेशन है, SDPO साहब के पास है, मेरे पास है, SHO साहब के पास है, हम उनके बच्चों को खुद गाड़ी देंगे, जम्मू में तलाश कराएंगे, कौंसलिंग करवाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चे को इस बवाल में फंसा हुआ है, इस चीज़ को छुपाई बात